नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। कोरोना वायरस के चलते मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना। जी हां, मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहा है गदरपुर का एक नामी स्कूल। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी की आशंका के बाद अलर्ट किया गया है प्रशासन ने, जहां प्रदेश भर के सभी स्कूलों में 31 मार्च तक बंद कर दिया है। वहीं गदरपुर का शिशु विद्या मंदिर आज इतवार और शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए कक्षा 5 तक के बच्चों को स्कूल में बुला रखा था, जिस पर पत्रकारों को भनक लगने पर प्रशासन ने आनंद फानंद में छुट्टी कर दी। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर डॉक्टर नीरज खैरवाल को फोन पर बताने के बाद प्रशासन हरकत में आता हुआ दिखा। जिलाधिकारी ने फोन पर बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था, अगर ऐसा कोई मामला था तुरंत मौके पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को भेजा जाएगा तथा उनको नोटिस तामील कराया जाएगा। गदरपुर क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी के छुट्टी पर होने के कारण गदरपुर क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जगदीश चंद्र आर्य ने बताया कि मैं स्वयं जानकारी मिलने पर वहां गया था। यहां पर स्कूल में बच्चों को बुलाया गया था, पेपर कराए जाने की बात कही जा रही है, जबकि प्रशासन की कक्षा 8 तक के बच्चों को पूर्व मूल्यांकन के आधार पर सभी क्लासों में पास करने का निर्देश दिया है। स्कूल में नोटिस भेजा जाएगा तथा उचित कार्रवाई की जाएगी। एक पत्रकार के पूछने पर कि बाल संरक्षण आयोग को यह मामला भेजा जाएगा तो उन्होंने कहा, हम सिर्फ अपनी विभागीय कार्रवाई करेंगे तथा उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। दरअसल सारा मामला भाजपा के मात्र शाखा RSS के एक अन्य शाखा के स्कूल होने के कारण मैनेजमेंट अपनी गुंडागर्दी पर उतारू है, जहां पर स्कूल के गेट के बाहर खड़े पत्रकारों पर भी स्कूल मैनेजमेंट द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं स्कूल के अंदर से ड्रेस में बच्चे आते हुए दिखाई दिए तथा कुछ बच्चे टुक-टुक वाहन पर जाते हुए दिख रहे हैं तथा साथ ही कुछ अन्य बस निकल रही हैं जिसमें बच्चे बैठे हैं। उस बस का ड्राइवर भी बिना सीट बेल्ट, बिना वर्दी तथा बिना हेल्पर के बच्चों को ढो रहा है। ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता सानू अली से बात करते जगदीश चंद्र आर्य, प्रशासनिक अधिकारी खंड शिक्षा कार्यालय गदरपुर। शिकायत प्राप्त हुई थी आज दिन 15/3/2000 रविवार को, मैं स्वयं विद्यालय में गया था। उनके द्वारा कुछ बच्चे जो है बुलाए गए थे परीक्षा के लिए और उनको सख्त निर्देश दिया गया कि शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए विद्यालय क्यों खोला गया, जबकि बच्चों को मासिक परीक्षाओं या अन्य मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण करने के निर्देश शासन से हो चुके हैं। उनके द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए छात्र छात्राओं को वापस भेजने की व्यवस्था की गई। हमारे द्वारा साहब इस संदर्भ में हम उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगेंगे, मांगा जा रहा है, अभी मांगेंगे। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत इसको विभाग को सूचित किया जाएगा और उनके विरुद्ध उचित विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब साहब इसकी इनका जो स्पष्टीकरण प्राप्त होगा, पहले भी हम इसमें लिखेंगे कि बाल संरक्षण आयोग का उल्लंघन है, इसमें जो स्पष्टीकरण प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देख उसकी सीट बेल्ट देख। सीट बेल्ट कहाँ है आपकी? अरे बेल्ट तो लगी है। कहाँ लगी है? कहाँ? ये आपके कहाँ लगी होनी चाहिए थी। आपकी वर्दी कहाँ? वर्दी कहाँ है? हेल्पर कहाँ है? आप चलो जान दो लकड़ी तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। जी हां, गदरपुर में पुलिस पर तस्करों द्वारा फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के अंतर्राज्यीय सीमा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पीपली जंगल से खैर की बेसकीमती लकड़ी तस्करी किए जाने का मामला है। सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पीपली जंगल में कुछ लोग खैर की बेसकीमती लकड़ी काटकर तस्करी के उद्देश्य से ला रहे थे। जब पुलिस की मुखबिर की सूचना पर पुलिस सकेनिया चौकी क्षेत्र में पहुंची तब लकड़ी तस्करों ने पुलिस पर दो राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें कोई हताहत
तो नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के समझने से पहले ही तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी पहचान कर ली गई है तथा धरपकड़ के लिए कुछ टीमें बनाई गई हैं, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की सीमा पर बने पीपली जंगल, जो कि उत्तर प्रदेश के सीमा के अंतर्गत पड़ता है, यहां पर बेशकीमती खैर की लकड़ी का जंगल है तथा पूर्व में भी अनेक घटनाएं तस्करी के सामने आ चुके हैं, लेकिन तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिस पर सीधे फायरिंग करने लगे हैं तथा यह भी आशंका जताई जा रही है कि जो फायर तस्करों ने पुलिस पर किए हैं वह हथियारों भी अवैध हो सकते हैं। अवैध हथियारों का मामला गदरपुर में कई बार सामने आ चुका है, लेकिन पुलिस इस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता साहनू अली से बात करते जगदीश चंद्र तिवारी, सब इंस्पेक्टर गदरपुर। आज दिनांक 5/15/2020 को रात्रि में करीब 4 बजे हमारे पुलिस की टीम मुर्गी की सूचना पर अनकटा क्षेत्र में घूमने थी, तभी मुंगेर द्वारा बताया कि कुछ व्यक्ति लकड़ी तस्कर जो है वो खैर की लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। मुर्गी की सूचना पर हमारे पुलिस टीम जैसे मौके पर पहुंचती है तो खैर तस्करों द्वारा हमारी टीम पर दो फायर किए गए हैं और मौके पर मोटरसाइकिल छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। दौरान इस घटना के हमारे द्वारा 14 घंटे खैर के लगभग 30 क्विंटल खैर और 6 मोटरसाइकिलें मौके से बरामद की हैं और जो तस्कर थे अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। लगभग 1.5 लाख अप्रोक्स के आसपास इसमें हमने 379, 411, 186, 353 और 307 IPC का मुकदमा पंजीकृत हुआ है और 26/52 परफेक्ट का मुकदमा भी इनके ऊपर पंजीकृत किया गया है। पुलिस की विभिन्न टीमें बनाई गई हैं जो तस्करों की तलाश में मामूल हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। ये थे अभी की कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।